Hi guys, in this video I wanna show you how to make a fountain in 3ds Max. Let's start. पहले Max open कर लीजिए और यहाँ पे जो fountain के लिए requirement है, आपको जो fountain का base बनाना है, वो सब आप बना लीजिए। तो यहाँ मैं यहाँ पे एक cylinder create कर देता हूँ। Cylinder से मैं center pole create करूँगा, जिससे water pipeline मतलब fountain निकलेगी आपकी, flow होगी। सिलेंडर की शेप जैसी आपको चाहिए वैसा आप बना लेंगे। इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद इसमें अपन करेंगे एज में और वर्टेक्स में एडिटिंग कर लेंगे उसके शेप के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एज जो है वो खिसका ले रहा हूँ जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है। सुराही देखे होंगे आप लोग, तो सुराही का बेस मान लीजिए जिसमें हैंडल नहीं रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सिलेक्शन करके स्केलिंग कर दे रहा हूँ अलग अलग पार्ट्स पे। आपको जैसा शेप रिक्वायर्ड हो आप वैसे ही डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ। देखते रहिएगा वीडियो। जो भी शेप दिए वो बनने के बाद इसमें आप चैम्फर्ड डालिएगा, मतलब इसमें फिलेट यूज़ करना। चैम्फर्ड में सेगमेंट डाल देंगे तो फिलेट का काम करता है। सभी एजेस पे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 एजेस है, तीनों एज पे करेंगे। ये अपना सेंटर ऑब्जेक्ट बन गया। अब साइड का बना लेते हैं जिसमें वाटर रहेगा। उसके लिए भी एक सिलेंडर ले लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से जितनी इसकी साइज़ रिक्वायरमेंट है वो दे देंगे फटाफट। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ रेडियस की 4 फिट, नहीं इसको कर देते हैं अपन 3 फिट 6 इंच, और हाइट ले लेते हैं 1 फिट, क्योंकि सेंटर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 फिट का है। इसको हाफ ले लेते हैं। इसमें हाइट में एक भी सेगमेंट नहीं चाहिए, और साइड में थोड़ा इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ नज़र आए। इसको भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे और टॉप वाले सेगमेंट को पकड़ के इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि इसको आपको अंदर माइनस में डालना है। इंसर्ट कर देंगे, बॉर्डर कितनी रखनी है वो यहाँ पे मैं 3 इंच रख रहा हूँ। ओके, देन सिलेक्शन रहने दे, आप इसको माइनस एक्सट्रूजन कर दें। है 9 फिट, इसको माइनस 9 इंचेस कर देते हैं ताकि 3 इंच का बेस हमको मिल जाए। हो गया, ओके। अब साइड वाले सेगमेंट्स, अगर आप टॉप में कुछ बॉर्डर चाहते हैं पट्टी, तो आप इसमें एज को सिलेक्ट कर लीजिए रिंग के थ्रू, फिर आप इसको कनेक्ट कर लीजिए एक सेगमेंट को, और इसको हाइट थोड़ा ऊपर ले जाइए, जितने आपको बॉर्डर चाहिए वहाँ तक ले जाएंगे। फिर आप पॉलीगन में चले जाइए, पॉलीगन सिलेक्ट करके एक्सट्रूड ऑप्शन ले लीजिए ताकि ये थोड़ा बाहर आ सके। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप फ्रंट से सिलेक्शन कर रहे हैं तो नेचुरली टॉप में भी सिलेक्ट हो गया होगा, देख लीजिए। तो टॉप को अनसिलेक्ट करना है तो वापस से आप
चले जाइए फ्रंट व्यू में और अनसेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्टर की दबा के सिलेक्शन वाला ही रहेगा, ऑल्टर की करके ये आप सिलेक्ट कर देंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी, अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सट्रूड इसमें अप्लाई कर दीजिए। एक्सट्रूड लोकल नॉर्मल में करेंगे ताकि पूरे ग्रुप में बाहर आए। जितना आपको चाहिए 1 इंच कर देता हूँ। ओके, दैट इज़ फाइन। ये आपका बेस मॉडल तैयार हो गया। फाउंटेन के लिए करना है काम। फाउंटेन के लिए आपको करना पड़ेगा कि आप जियोमेट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ से लेंगे पार्टिकल सिस्टम। वन मिनट फोर्सेस, आप चले जाइए। पार्टिकल सिस्टम्स ऑन कर लीजिए। यहाँ पे स्प्रे आपको दिख रहा है, इसको ले लीजिए। स्प्रे को आप बना लीजिए जहाँ से आपको वाटर फाउंटेन दिखाना है, वहाँ पे पुट कर दीजिए इसको। इसको सेंटर कर देंगे। ये इसका एरो जो है वो नीचे की ओर है, इसको आप रोटेट करके टॉप की ओर करेंगे क्योंकि इसका जो फाउंटेन फ्लो है वो नीचे की ओर है। एरो जिधर रहेगा उधर फ्लो होगा, तो आप इसको रोटेट कर लीजिए 180 डिग्री में। एक्स एक्सिस में कर दे रहा हूँ। अब टॉप से इसकी पोजीशन सेट कर दीजिए और इसकी साइज़ कर दीजिए कम। जितनी छोटी होगी उतना एरिया कम लेके आउट होगा आपका वाटर। इसको ऊपर ले जाइए, ये नीचे है, इसको आप टॉप में ले जाइए जहाँ से फाउंटेन निकलना है, वाटर निकलना है। अब चले जाइए इसके मॉडिफिकेशंस में। आपको मॉडिफाई में यहाँ पे पैरामीटर्स नज़र आएंगे। व्यू पोर्ट काउंट, मतलब व्यू पोर्ट में कितने वाटर सप्लाईज देखने हैं। देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो आप इस स्केल को ड्रैग करेंगे फ्रेम स्केल को, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे 1000 कर देते हैं ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स हमको दिखे। ऐसा ही रेंडर में कर लेंगे ताकि रेंडर में भी उतना ही मिले। ये आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे ड्रॉप की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं कितना जल्दी आउट हो, और वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे सीधी जा रही है, अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं तो वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। वेरिएशन अपन लास्ट में कर लेंगे जब अपन ग्रेविटी लगाएंगे। तो वाटर जो है भी सीधी सीधी जा रही है। स्पीड देखिए, स्पीड इसमें कितनी तेज़ी से आउट होगी। ये स्पीड आपको जितनी चाहिए वो आप सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 12। ये ड्रॉप्स आप रख सकते हैं तो ये दिखेगा, ड्रॉप्स टाइप का अगर आप रखेंगे, सॉरी ड्रॉप्स डॉट्स एंड थिक, जो भी रखना है रख सकते हैं। सबकी जो डिटेलिंग है वो अलग अलग रहेंगी। यहाँ पे साइज इसकी ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जितना है उतना रहने देते हैं, जब हमको कम करनी पड़ेगी हम कर देंगे। इसके साथ साथ आप लगा देंगे ग्रेविटी ताकि वाटर जो है नीचे की ओर आए, ऐसे सीधी ऊपर ना जाए। एक ग्रेविटी बना के इसको लिंक कर देना है स्प्रे के साथ। स्प्रे को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको करना है लिंक। ये ऑप्शन ले लीजिएगा आप, लिंक टू स्पेस रैप, तो ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप स्प्रे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर में यहाँ दिख रहा होगा लिंक हो चुका है। तभी वाटर जा रही सीधी। इसको लिंक करने के बाद आप इसमें स्ट्रेंथ डाल देंगे।
लिंक हुआ नहीं क्या? ओह, टू टाइम्स हो गए, इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट, ग्रेविटी में पहले सिलेक्शन करके उसमें स्ट्रेंथ डाल दीजिए। तो इसमें दिख रहा है आपको इफेक्ट, स्ट्रेंथ जितनी रखनी है वो आप रख सकते हैं। अब देखिए इफेक्ट, अब ये जो है वो बाहर आउट नहीं हो रही, मतलब साइड में नहीं फैल रही, सीधी सीधी जा रही है। अगर उसको सेट करना है तो आप स्प्रे को सिलेक्ट कर लेंगे, स्प्रे को सिलेक्ट करके उसके मॉडिफाई में जाइए और आपको मिलेगा वेरिएशन। तो आपको वेरिएशन में जाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, स्ट्रेंथ को इतना रखते हैं। इसको सिलेक्शन करके वेरिएशन को आप चेंज कर देते हो, ये आउट होगी। देखिए जितना आप वेरिएशन डालेंगे उतनी बाहर आएगी। समझ में आ रहा है? वेरिएशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रखेंगे। यहाँ मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी जैसे रखे हैं। तो इसकी साइज़ जो थोड़ी बड़ी होने के कारण ये ज़्यादा फैल रहा है, उसको जितनी छोटी कर देंगे उतना कम बाहर आएगा। तो ये पानी जो आउट हो रही है वो सर्किल के अंदर रहना चाहिए, तो वेरिएशन उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम कर देंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। डॉट्स की साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, थिक्स रख सकते हैं। सबका अलग अलग इफेक्ट्स आएगा, रेंडर में मैं दिखाऊंगा। जो भी सेटिंग्स आपकी रिक्वायर्ड हो आपने किया, ये देखिए आउट हो रहा है। देन उसके बाद इसको इमेजिन कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। तो जब ये रेंडर होगा तो इमेज के रूप में दिखेगा। इसको कर दीजिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में चले जाइए और जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ आपको दिख रहा है इमेज, ये ले लीजिएगा। मल्टीप्लायर जितना रखेंगे उसका इफेक्ट उतना दिखेगा। फिलहाल अपन 2 कर लेते हैं। ये अभी यहाँ व्यू पोर्ट में नज़र नहीं आएगा, जब रेंडर हम करेंगे तब आपको दिखेगा। तो फटाफट थोड़ा रेंडर के लिए सेटिंग्स कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसमें थोड़ा मटेरियल ऐड कर देते हैं। अगर आपको वाटर का कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। अपन यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर कर रहे हैं इसलिए मटेरियल स्टैंडर्ड है, इसको अप्लाई कर देते हैं उस पर। जब आप रेंडर करेंगे तो आप उसको ब्लू कलर में देख सकते हैं। तो मटेरियल मैंने कर दिया अप्लाई, अब इसकी करते हैं रेंडर। रेंडर सेटअप अभी वीरे है, मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ जल्दी फास्ट रेंडर, नहीं तो मेरी पीसी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। देखिए रेंडर स्टार्ट हुआ है, रेंडर होने दीजिए, अपन रेंडर के बाद का पिक्चर आपको दिखा देंगे। रेंडर के लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, एक्टिव टाइम सेगमेंट, और यहाँ पे आपको फाइल टाइप सेव करना पड़ेगा। अगर वीडियो रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पे AVI फॉर्मेट ले लीजिए, फाइल का नेम डाल दीजिए जो भी डालना है, सेव कर दीजिए। पहले इमेज था इसलिए लेट हो रहा था, मतलब तुरंत हो गया, रेंडर हो ही नहीं पाया। AVI करने के बाद ये रेंडर आप क्लिक कर दीजिए, रेंडर होने दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो इसके बाद। ये आपका रेंडर पूरा हो गया है। अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, वीडियो को प्ले करके देखते हैं।
ये मैंने KM प्लेयर में इसको प्ले कर दिया जो अभी हमने क्रिएट किया। ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो होप आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए, किसी तरीका का हेल्प हुआ अगर वीरे सॉरी 3DS Max का, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।